नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फटाफट न्यूज चैनल। आज हम आपके सामने एक नई खबर के साथ आए। जी हाँ, आपको बताना है अमेरिका खाड़ी में सऊदी अरब की मदद के लिए वारशिप और लड़ाकू विमान तैनात करने जा रहा है। अमेरिका ने बुधवार को इस संबंध में एक बयान देकर यह बात कही। अमेरिका ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात पर यमनी विद्रोहियों के मिसाइल हमलों के बाद यह कदम उठाया गया है। यूएई में अमेरिका दूतावास ने कहा है कि वॉरशिप की तैनाती मौजूदा खतरे के खिलाफ यूएई की सहायता करने के लिए रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच एक फोन कॉल के बाद हुई। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोही संयुक्त अरब अमीरात पर लगातार हमले कर रहे हैं। सोमवार को तीसरा मिसाइल हमला हुआ था। आपको बता दें कि बयान में यह भी कहा गया है कि गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस कोल यूएई नौसेना के साथ साझेदारी करेगा और अबू धाबी में एक बंदर शाह पर तैनात रहेगा, जबकि अमेरिका पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी तैनात करेगा। बयान में कहा गया है कि अन्य कार्रवाइयों में प्रारंभिक चेतावनी और खुफिया सूचनाओं को देना जारी रहेगा। विद्रोही हमलों में ने यमन के 7 साल के युद्ध में एक नया मोर्चा खोल दिया है, जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सैकड़ों हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों विस्थापित हुए हैं। आपको बता दें कि यमन के विद्रोही यूएई पर लगातार हमले कर रहे हैं। 17 जनवरी को अबू धाबी के तेल संयंत्रों और हवाई अड्डों को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमले में 3 विदेशी कामगारों की मौत हो गई। 24 जनवरी को अबू धाबी के अल दफरा हवाई अड्डे पर तैनात अमेरिका सेना ने पेट्रियट इंस्पेक्टर फायर किए गए। वहां सैनिकों को बंकरों में घुसना पड़ा, हालांकि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है। यूएई ने दावा किया कि सोमवार को इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने के यूएई दौरे के दौरान हुआ तीसरा मिसाइल हमला नाकाम कर दिया। बयान में कहा गया है कि अमेरिका की वॉरशिप तैनाती का इरादा एक स्पष्ट संकेत है कि संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से रणनीतिक साझेदार के रूप में यूएई के साथ खड़ा है। विद्रोही हमलों ने खाड़ी के तनाव को ऐसे समय में और बढ़ा दिया है जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता लड़खड़ा रहे हैं और तेल की कीमतों को 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचाने में मदद की। आपको बता दें कि यमन का गृह युद्ध 2014 में तब शुरू हुआ था जब हुतियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सऊदी अरब की सेना ने वहां अपनी समर्थक सरकार बनवाने के लिए वहां हस्तक्षेप करना पड़ा। दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के खरीदारों में से एक यूएई ने 2019 में यमन में फिर से अपने सैनिकों की तैनाती की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यमन के संघर्ष ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। यूएन ने इसे दुनिया का सबसे खराब मानवीय संकट।